गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे किंगडम एनिमिलिया का नेक्स्ट फाइलम, जो कि है आपका हेमीकॉर्डेटा। मैंने आपका जो हेमीकॉर्डेटा के पहले के जितने भी फाइलम थे, जो इनवर्टिब्रेट्स थे, सारे कवर कर दिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। हेमीकॉर्डेटा एक अलग फीचर को बियर करता है, इसलिए इसके लिए एक अलग फाइलम बनाया गया। इसको पूरी तरह से अलग कर दिया गया। पहले इसको इनवर्टिब्रेट्स में ही रखा जाता था, ठीक है। हेमीकॉर्डेटा का मतलब है हाफ कॉर्डेटा। हाफ कॉर्डेटा का मतलब है, कॉर्डेटा का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है। इनमें प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड तो होती है, वो भी वेल डेवलप नहीं होती है। तो आइए देखते हैं क्या होता है हेमीकॉर्डेटा, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। आइए, तो आज का फाइलम है फाइलम हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा, यहाँ पे हेमीकॉर्डेटा का मतलब क्या होता है ये देखिए। फिर से इसको ब्रेक करें, चलिए आइए ब्रेक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए टू टर्म है, हेमी प्लस कॉर्डेटा। हेमी प्लस कॉर्डेटा, हेमी मीन्स क्या होता है, हेमी का मतलब होता है हाफ, है ना, हाफ। और कॉर्डेटा जो टर्म है कॉर्ड से आया है, ठीक है, कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड। यहाँ पे कॉर्डेटा जो टर्म है इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब है एक स्ट्रिंग लाइक, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि क्या करता है, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो इसमें देखिए कॉर्डेटा जो एनिमल्स होते हैं, अभी इसके बाद हेमीकॉर्डेटा के बाद हम कॉर्डेटा में ही आएंगे। कॉर्डेटा में आने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होता है, डॉर्सल हॉलो नोटोकॉर्ड के साथ साथ नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ फेरेंजियल गिल्सलेट होता है और पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट होती है। तो ये कॉर्डेटा के फीचर्स होते हैं, ठीक है। बट ये जो कॉर्डेटा है वो क्या कहला रहा है, हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा का मतलब क्या होता है, हेमीकॉर्डेटा कहने का मतलब है कि जिनमें क्या होता है, कॉर्ड जो होता है मींस वो स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, पूरी तरह से वेल डेवलप नहीं होगा। इनका जो बकल कैविटी होता है, बकल कैविटी से क्या होता है, एक मीजोडर्मल आउटग्रोथ होता है जो कि स्ट्रिंग लाइक रॉड लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। इसलिए इसको कहा गया है हाफ कॉर्डेटा कहा गया है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है बेलैनोग्लॉसिस। बेलैनोग्लॉसिस, ठीक है, ग्लॉसिस। यहाँ पे इसका डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है, डायग्राम। बिना डायग्राम के तो आप फीचर इसको ना तो पहचान पाएंगे, ना तो इसके फीचर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बेलैनोग्लॉसिस का डायग्राम ये देखिए, इस तरह से बेलैनोग्लॉसिस होता है। और अगर आप चाहें तो इसको बुक में भी देख सकते हैं, आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेलैनोग्लॉसिस जो होता है, इसमें इसके तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज ये जो रीज़न होता है, इसको हम कहते हैं प्रोबोसिस रीज़न। प्रोबोसिस रीज़न जो होता है, इसमें प्रोबोसिस ग्लैंड भी होता है, जो कि एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक्सक्रीशन में इस्तेमाल किया जाता है। देन इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका कॉलर हो जाएगा, ठीक है, कॉलर है ये। और यहाँ पे ये जो पूरा पार्ट है कॉलर के नीचे वाला, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। क्या बोलेंगे, ट्रंक कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होता है, फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होता है, फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होगा, ठीक है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। फेरेंजियल गिल स्लिट का मतलब क्या होता है, देखिए फेरिंगियल गिल स्लिट का मतलब होता है फेरिंग्स रीजन में इसके गिल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होंगे, ठीक है, समझ में। अब देखिए यहाँ पे बेलैनोग्लॉसिस को एक और नाम से जाना जाता है, ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी को बियर करता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं टंग वॉर्म, ठीक है, एक वॉर्म है ये, एक तरह का पैरासाइट है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं टंग वॉर्म, क्या कहते हैं, टंग वॉर्म। तो यहाँ पे आइए देखते हैं इसका फीचर, देखते हैं पहला फीचर क्या हो जाएगा। इट इज़ कॉमनली नोन एज टंग वॉर्म। क्या कहते हैं इसको, टंग वॉर्म कहेंगे, ठीक है, टंग वॉर्म कहते हैं इसको, ठीक है। दूसरा फीचर देखिए यहाँ पे देखिए हेमीकॉर्डेटा जो है इसका फाइलम, हेमीकॉर्डेटा को स्टोमोकॉर्डेटा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमोकॉर्डेटा। तो हेमीकॉर्डेटा इज़ ऑल्सो नोन एज क्या बोलेंगे, स्टोमोकॉर्डेटा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए फीचर अब स्टार्ट करते हैं,
सबसे पहले क्या देखेंगे इसका हैबिटेट। यस हैबिटेट, हैबिटेट कैसा हो जाएगा इनका। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो इनका जो हैबिटेट होता है वो मैरीन होता है, ठीक है। मैरीन एक्वेटिक है, एक्वेटिक में मैरीन एनिमल्स में ये आते हैं, सी वाटर में मिलेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे मैरीन एनिमल हो जाते हैं, मैरीन एनिमल्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए आप डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा, डायग्राम से ही आपको समझ में आ रहा है और इसके डायग्राम से आप लोग को इसके फीचर समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। डायग्राम दिख रहा है तो आइए सबसे पहला फीचर इसका क्या है, ठीक है। सबसे पहला फीचर है इसका ये देखें, हैबिटेट मैंने बता दिया है। सबसे पहले फीचर की अगर हम बात करें तो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्गन सिस्टम सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आइए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट इसके बाद देखिए सिमेट्री डायग्राम देखिए, सिमेट्री कैसी फॉर्म होगी बताइए, सिमेट्री कैसे फॉर्म होगी। हम इसको क्या कर सकते हैं, लेटरली लेटरली टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, लेटरली टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर दें, कितने इक्वल पार्ट आएंगे इसके, दो इक्वल पार्ट आएंगे, कौन सी सिमेट्री बनेगी, बाइलेटरल सिमेट्री। तो दे शो, दे शो शो बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। किस सिमेट्री को शो कर रहा है, बाइलेटरल सिमेट्री को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फीचर्स में, ठीक है, फीचर्स में ध्यान देंगे। इट इज़ कॉमनली नोन एज टंग वॉर्म कहते हैं इसको, ठीक है। हेमीगॉर्डेटा इज ऑल्सो नोन एज स्टोमोकॉर्डेटा, स्टोमोकॉर्डेटा या फिर स्टोमोकॉर्ड, ठीक है, स्टोमोकॉर्ड कह सकते हैं इसको, ठीक है, स्टोमो कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इसके बाद हैबिटेट कैसा होगा, मैरीन एनिमल हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा और ये शो करता है बाइलेटरल सिमेट्री को, समझ में आ रहा है। अब आइए नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं, आइए देखते हैं। अब इसके बाद देखिए इसका जर्मिनल लेयर क्या होगा, जर्मिनल लेयर, जर्मिनल लेयर इज, लेयर इज, लेयर इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक हायर एनिमल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीलोम कैसा होगा, सीलोम इसका होता है ट्रू सीलोम, ठीक है। दे हैव ट्रू सीलोम, ठीक है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है इसका कंप्लीट होता है, तो ट्रू सीलोम इनमें प्रेजेंट होगा, ट्रू सीलोम, ठीक है, दे हैव ट्रू सीलोम, ट्रू सीलोम होगा ये, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट फीचर देखते हैं, देखिए आते हैं अब थोड़ा सा हायर इनके कैरेक्टर्स में आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इसके कॉर्ड जो टर्म दिया गया है उसके लिए, देखिए इसको कहा गया है स्टोमो कॉर्ड, ठीक है, स्टोमो कॉर्ड कहा गया है। तो ये जो स्टोमो कॉर्ड है वो क्यों कहा गया है, देखिए हमने जो हेमीकॉर्डेटा ये जो फाइलम है यहाँ पे स्टोमो का मतलब क्या होता है, स्टोमो का मतलब होता है बेटा माउथ, ठीक है, और कॉर्ड का मतलब क्या होता है, कॉर्ड का मतलब है एक रॉड लाइक, एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देखोगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा आप लोग को, ये जो कॉलर रीजन है, ठीक है, कॉलर रीजन है जहाँ पे इसका माउथ प्रेजेंट होता है, वहीं पे क्या होता है, वहीं से एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर निकल के आता है जिसका ओरिजिन क्या होता है, मीजोडर्मल होता है, ठीक है। एक मीजोडर्मल आउटग्रोथ होती है, एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि नोटोकॉर्ड की तरह दिखता है, वेल डेवलप नोटोकॉर्ड नहीं होता, इसीलिए इसको कहा जाता है स्टोमोकॉर्ड या फिर हेमीकॉर्डेटा, ठीक है, स्टोमोकॉर्ड या फिर हेमीकॉर्डेटा, ठीक है। तो स्टोमोकॉर्ड जो होता है, स्टोमोकॉर्ड जो स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, ये कहाँ से आता है, ये एक तरह का क्या है, आउटग्रोथ है, आउटग्रोथ है जो कि कहाँ से कैसे आता है, मीजोडर्मल आउटग्रोथ है, मीजोडर्मल मीजोडर्मल आउटग्रोथ है, ठीक है, आउटग्रोथ है जो कि कॉर्डेटा की तरह, ठीक है, नोटोकॉर्ड की तरह दिखता है। समझ में आ रहा है क्यों इसको हेमीकॉर्डेटा कहा गया है, ठीक है, अगर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट अब देखिए एक्सक्रीशन की अगर बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट होता है, ठीक है, तो लिखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज
कंप्लीट हो जाएगा। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कंप्लीट है। नेक्स्ट इसके बाद अगर बात करें एक्सक्रीशन की, बात कर लेते हैं, है ना, एक्सक्रीशन की, तो यहाँ पे फिर से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक्सक्रीशन जो जितने भी एनिमल, जितने भी फाइलम्स आप पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा इसका एक्सक्रीशन पूछा जाता है, क्योंकि सब में अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। बाकी सारी चीज़ें तो कॉमन हो जाती है, बट एक्सक्रीशन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो अलग होता है। तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड होते हैं। एक्सक्रीशन विद द हेल्प ऑफ प्रोबोसिस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है, ठीक है, आ जाइए। अब इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ओपन टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, इसका ओपन टाइप का होगा। समझ में आया, ठीक है, समझ में आ रहा है इतनी चीज़ें, ठीक है, क्लियर हो रही है। अब इसके बाद देखिए रेस्पिरेशन की बात करें, तो रेस्पिरेशन के लिए क्या है, देखिए रेस्पिरेशन के लिए डायग्राम में क्या है, फेरिंजियल गिल स्लिट है, मतलब कि फेरिंग्स रीजन पे क्या होते हैं, इसके गिल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर में रहता है, तो गिल से ये रेस्पायर करेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए, रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट, ठीक है, गिल स्लिट। समझ में आइए, समझ में आ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए आप लोगों को। अब आइए इसके रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखिए रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनका जो सेक्सेस है वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, ऐड कर लेंगे, सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट। और कौन सा रिप्रोडक्शन होगा इसमें, इसमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, परफॉर्म होगा इनमें, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें परफॉर्म होता है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो है, ये फाइलम आपका कवर हो चुका है, हेमिकॉर्डेटा। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको पूरे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे, सारे एक एक पॉइंट्स के बारे में मैंने बताया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आइए आगे चलते हैं, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा के बाद हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, कवर करेंगे नेक्स्ट फाइलम, जो कि है क्या, कॉर्डेटा, ठीक है। इनवर्टिब्रेटा पूरा हमने कवर कर दिया है, हेमिकॉर्डेटा जो कि अलग से एक फाइलम था, नेक्स्ट इसके बाद क्या है आपका, कॉर्डेटा। तो आइए कॉर्डेटा के बारे में देखते हैं। कॉर्डेटा के बारे में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नोट कर सकते हैं आप लोग कॉपी में। चलिए आई होप आपका हो गया होगा। तो आइए इसको रब करके दूसरा नेक्स्ट फाइलम के बारे में बात करते हैं। आइए अब इसके बाद हम आ रहे हैं इनवर्टिब्रेट से, हम कॉर्डेट में आ रहे हैं, ठीक है। कॉर्डेट्स की हम बात करेंगे तो कॉर्डेटा देखिएगा यहाँ पे, कॉर्डेटा, ठीक है, कॉर्डेटा नेक्स्ट फाइलम है आपका, फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा यहाँ पे देखिए, कॉर्डेटा जो टर्म है इसमें दो टर्म है, कॉर्ड प्लस एटा, ठीक है, कॉर्ड प्लस एटा। यहाँ पे ये जो वर्ड आया है वो लैटिन वर्ड से आया है। यहाँ पे कॉर्ड एक टर्म है और एटा एक टर्म है। यहाँ पे कॉर्ड का मतलब जानते हैं क्या होता है, कॉर्ड का मतलब होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और एटा का मतलब जानते हैं क्या होता है, एटा का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। तो एक ऐसा ग्रुप, ठीक है, एक ऐसा ग्रुप जो कि कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर मीन्स रॉड लाइक स्ट्रक्चर को बियर करता है, उसको हम क्या कहेंगे, कॉर्ड डेटा कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, कॉर्ड डेटा बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, वर्ड का मतलब समझ में आया। अब देखिए कुछ फीचर्स होते हैं कॉर्डेटा के, ठीक है, कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं कॉर्डेटा के, तो उसको हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूनिक फीचर्स जो कि आपके अब आगे ऐड होने जा रहे हैं। यूनिक फीचर्स क्या क्या हैं, सबसे पहला जो
फीचर है, इनमें प्रेजेंट होता है, कॉर्डेटा के एनिमल्स में प्रेजेंट होगा, कॉर्डेटा के एनिमल्स में प्रेजेंट होगा नोटोकॉर्ड, ठीक है, नोटोकॉर्ड क्या होगा, नोटोकॉर्ड, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है, नोटोकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, हॉलो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड, ठीक है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे इसके पास प्रेजेंस होगा क्या, गिल स्लिट, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऐसे एनिमल में गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फेरिंजियल गिल स्लिट, फेरिंजियल मैंने बता दिया है, फेरिंग्स रीजन पे होगा, और प्रेजेंस ऑफ ठीक है, पोस्ट एनाल ठीक है टेल। तो ये चार यूनिक फीचर होते हैं जो कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया है, ठीक है। क्या याद रखना है, आपको नोटोकॉर्ड याद रखना है, नर्व कॉर्ड याद रखना है, गिल स्लिट और पोस्ट एनाल टेल, ठीक है। ये फीचर्स होते हैं किसके, कॉर्डेटा के, ठीक है, क्या होते हैं, कॉर्डेटा के। तो यहाँ पे एक डायग्राम फिर से हम बनाएंगे और डायग्राम में आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ पे ये देखिए एक डायग्राम है, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि ये कहाँ कहाँ पे फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। एक सेकंड, ये देखें, ये आपका गिल स्लिट हो जाएगा, गिल स्लिट, ठीक है, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड, ठीक है, नर्व कॉर्ड, और आपका ये है आपका पोस्ट एनाल टेल, ठीक है, ये आपका टेल हो गया, ठीक है, ये हो गए आपके कॉर्डेटा के फीचर्स, ठीक है। अब कॉर्डेटा को कई सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, कई सारे नहीं, तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया, तो वो ग्रुप हम देखते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, कॉर्डेटा को मेनली थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स, तीन ग्रुप में बेसिकली इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज यूरोकॉर्डेटा, सेकंड इज सिफेलोकॉर्डेटा, एंड थर्ड वन इज़ वर्टिब्रेटा, ठीक है। देखें, अब इसके बाद देखिए एक एक चीज़ के बारे में ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहला आपका है यूरोकॉर्डेटा, तो यहाँ पे यूरो प्लस कॉर्डेटा, इसमें दो टर्म है, यूरो प्लस कॉर्डेटा, दो टर्म है ना इसमें। यहाँ पे यूरो का मतलब जानते हैं क्या होता है, यूरो का मतलब होता है टेल, ठीक है, क्या होता है, टेल। कॉर्डेटा का मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है, सारे मैंने फीचर्स इसके बता दिए हैं, ठीक है। तो टेल में, ठीक है, टेल रीजन में ऐसे एनिमल जिनके टेल रीजन में क्या होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, टेल रीजन में कॉर्डेट्स के फीचर्स होंगे, उसको हम किस में रखते हैं, यूरोकॉर्डेटा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो यूरोकॉर्डेटा में आने वाले जो एनिमल्स होते हैं, उनके लार्वल स्टेज में कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर लार्वल स्टेज है तभी तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, और ये एडल्ट में चेंज हो गया, तो ये जो आपका नोटोकॉर्ड, ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था कब, लार्वल स्टेज में, ये क्या हो जाता है, आगे जाके डीजनरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। तो लार्वल स्टेज में यूरोकॉर्डेटा ऐसे एनिमल होते हैं जिनके लार्वल स्टेज में क्या होता है, कॉर्डेट्स के फीचर होते हैं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। समझ में आया। अब आ जाइए यहाँ पे सिफेलोकॉर्डेटा में, ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा, यहाँ पे सिफेलो प्लस कॉर्डेटा, दो टर्म है इसमें। सिफेलो का मतलब देखिए क्या होता है, सिफेलो का मतलब होता है यहाँ पे हेड, ठीक है, हेड, और कॉर्डेटा का मतलब क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हेड रीजन में जो नोटोकॉर्ड है और नर्व कॉर्ड है, ये सारे अगर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, सिफेलोकॉर्डेटा, ये मीनिंग निकल के आती। लेकिन यहाँ पे
सिफेलोकॉर्डेटा में हेड से लेके पूरा टेल तक, कहाँ तक, हेड से लेके टेल रीजन तक इनके पास कॉर्ड नोटोकॉर्ड क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आया? अब इसके बाद आइए वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा, अगर हम वर्टिब्रेटा की बात करें, अगर हम वर्टिब्रेटा की बात करें तो वर्टिब्रेटा जो एनिमल्स होते हैं इनका जो नोटोकॉर्ड है, ठीक है, नोटोकॉर्ड होता है वो आगे जाके क्या हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, रिप्लेस हो जाएगा। तो ये आते हैं आपका वर्टिब्रेटा, मोस्ट हाईली डेवलप्ड एनिमल होते हैं वर्टिब्रेटा, हाईली वेल डेवलप्ड एनिमल होते हैं वर्टिब्रेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए आप, ठीक है, कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पे कॉर्डेटा जो है, कॉर्डेटा को थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे पहला क्या है, यूरोकॉर्डेटा, सेकेंड है आपका सिफेलोकॉर्डेटा, थर्ड आपका क्या है, वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा ऐसे एनिमल होते हैं जिनके लार्वल स्टेज में टेल रीजन में क्या होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, और वो जो लार्वल स्टेज होता है जब वो एडल्ट में जाता है तो नोटोकॉर्ड क्या हो जाती है, वहाँ से डीजनरेट हो जाती है। तो यहाँ पे टेल रीजन में सिर्फ लार्वल स्टेज में ही क्या रहेगा, नोटोकॉर्ड रहेगा। सिफेलोकॉर्डेटा पूरा हेड से, सिफेलो का मतलब होता है हेड पोर्शन, हेड से लेके टेल तक थोड़ा सा डेवलप होते हैं यूरो से, ठीक है, हेड से लेके पूरा टेल तक क्या होगा, यहाँ पे कॉर्ड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। और वर्टिब्रेटा की बात करें तो वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, मतलब कि एक बोनी कवर आ जाती है, ठीक है, बोनी कवर आ जाती है जिसको हम बैकबोन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके एनसीईआरटी ने दिया है, ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा दिया, तो प्रोटोकॉर्डेटा और कुछ नहीं, यहाँ पे यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को, सिफेलोकॉर्डेटा मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा। मतलब अगर बात की जाए टू कैटेगरीज की, टू ग्रुप्स की, तो या तो बात करेंगे प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, और अगर तीन की बात की जा रही है तो यूरो, सिफेलो और वर्टिब्रेटा, मीन्स प्रोटोकॉर्डेटा में ही यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा आते हैं। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप या फिर नोट कर लीजिए। तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, आइए फिर आगे देखते हैं। देखिए अब इसके बाद हम बात करेंगे वर्टिब्रेटा के बारे में, ठीक है। वर्टिब्रेटा की अगर हम बात करें तो वर्टिब्रेटा में, ठीक है, वर्टिब्रेटा में हाईली वेल डेवलप्ड जो एनिमल्स होते हैं उसको रखा गया, हम लोग भी वर्टिब्रेटा में ही आते हैं, ठीक है, हम भी वर्टिब्रेटा में ही आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आइए देख लेते हैं वर्टिब्रेटा के कुछ फीचर्स। तो सबसे पहला फीचर क्या हो जाएगा, ठीक है, सबसे पहला फीचर होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, सिस्टम लेवल ऑफ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद देखें ये क्या होंगे, ये आपके बायलेटरल सिमेट्री को शो करेंगे, बायलेटरल सिमेट्री को शो करेंगे, ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री को शो करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ सीलोमेट होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा इनका, कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स होंगे। और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें दोनों टाइप का होगा, ओपन प्लस क्लोज, ठीक है, ओपन और क्लोज दोनों टाइप का क्या होता है इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, कुछ होते हैं वार्म ब्लडेड और कुछ क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो वार्म ब्लडेड कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के टेम्परेचर को ये चेंज कर सकते हैं, और कोल्ड ब्लडेड कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के टेम्परेचर को ये चेंज नहीं कर सकते। जैसे इसमें पाइशीज, फिशेज आते हैं, ठीक है, फिशेज आते हैं। अब आइए आगे देखते हैं, यहाँ पे वर्टिब्रेटा की अगर बात करें तो वर्टिब्रेटा में क्या होता है, हर्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, हर्ट प्रेजेंट होगा, वेल डेवलप हर्ट प्रेजेंट होता है, एक्सट्रीटरी ऑर्गन वेल डेवलप होते हैं, मतलब जितने भी फीचर्स आप देखेंगे वो क्या होता है, वेल डेवलप होता है। अब वर्टिब्रेटा की अगर हम बात करें तो इसको दो कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है, वर्टिब्रेटा को, वर्टिब्रेटा को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है, इनके सब क्लासेस हैं ये, ठीक है। वैसे तो अगर क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन में इसके पहले के चैप्टर्स में आपने पढ़ा है, पहला आता है आपका किंगडम,
है ना। पहला आता है आपका किंगडम, दूसरा क्या आता है आपका फाइलम, तीसरा क्या आता है आपका क्लास, ठीक है, क्लास, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर, जीनस, ठीक है, और स्पीसीज। इतनी चीज़ें आपने पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे देखिए सब फाइलम भी होता है, सब क्लास भी होता है, सब ऑर्डर भी होता है, ठीक है, फैमिली भी होती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है। तो यहाँ पे इसका सब क्लास है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए वर्टिब्रेटा को, वर्टिब्रेटा को दो कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ एग्नेथा, फर्स्ट इज़ एग्नेथा, एग्नेथा, एंड सेकेंड वन इज़ ग्नेथोस्टोमा। क्या? ग्नेथोस्टोमा, ठीक है, स्टोमा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये एग्नेथा, यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब बायोलॉजी में, बायोलॉजी में एब्सेंस, ठीक है। एग्नेथा जो है ये रिप्रेजेंट करता है क्या? जॉस को। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जॉस को। तो एग्नेथा ऐसे वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें क्या होता है? एब्सेंस ऑफ जॉ होगा। क्या होगा? एब्सेंस ऑफ जॉ होगा। और ग्नेथोस्टोमा, स्टोमा की बात करें तो यहाँ पे ग्नेथा का मतलब क्या हो जाएगा? जॉ हो जाएगा। स्टोमा का मतलब क्या हो जाएगा? माउथ। और ए जैसा कोई वर्ड लगा नहीं है, एब्सेंस जैसा कोई वर्ड लगा नहीं है, तो इसमें क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ जॉज होंगे, प्रेजेंस ऑफ जॉज होंगे। तो इनमें आने वाले एनिमल जो होते हैं ग्नेथोस्टोमा में, इसमें जॉज क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। और ये देखिए एग्नेथा में आ जाएगा आपका साइक्लोस्टोमा। क्या आएगा? साइक्लोस्टोमा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ग्नेथोस्टोमा की अगर हम बात करें, ग्नेथोस्टोमा की बात करें तो इसको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है आपका पाइशीज, ठीक है, पाइशीज आएंगे। और दूसरा क्या आता है आपका? टेट्रापोडा, ठीक है, पाइशीज और टेट्रापोडा, ठीक है। पाइशीज का मतलब क्या होता है? देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी फिशेज हैं, ठीक है, जितने भी फिशेज हैं उसको क्या कहा गया है? पाइशीज कहा गया है, ठीक है। और पाइशीज में भी दो कैटेगरीज है, दो ग्रुप है। एक फिश ऐसी होती है जो कि क्या होती है? कार्टिलेज की बनी होगी, और एक फिश ऐसी होती है जो कि बोन्स की बनी होती है। तो अगर फिश कार्टिलेज की बनी है तो इसको हम कहेंगे कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है, कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है। और अगर बोन्स की बनी है तो बोन्स के लिए टर्म यूज़ किया जाता है ऑस्टियोथीस, ठीक है, ऑस्टिकथीस, ठीक है, ऑस्टिक, ऑस्टियोथीस, ठीक है, थीस। और यहाँ पे देखिए कार्टिलेजिनस फिश के लिए भी एक टर्म यूज़ किया जाता है, वो टर्म हम लिख रहे हैं, ये देखें, इसके लिए टर्म यूज़ किया गया है, एक सेकेंड, हाँ, इसके लिए एक टर्म यूज़ किया गया है कॉन्ड्रिकथीस। क्या टर्म यूज़ किया गया है? कॉन्ड्रिकथीस, कॉन्ड्रिकथीस, ठीक है, कॉन्ड्रिकथीस, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए टेट्रापोडा, टेट्रापोडा की अगर बात करें तो यहाँ पे पोडा का मतलब क्या होता है? फीट होता है ना, फीट होता है, ठीक, फीट। तो जो फीट को बियर करते हैं, टेट्रा का मतलब क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा। जो फीट को बियर करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? टेट्रापोडा कहेंगे। और टेट्रापोडा में आने वाले चार ग्रुप होते हैं, चार क्लासेस होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा चार क्लासेस है? पहला है आपका रेप्टाइल, ठीक है, रेप्टाइल। सेकंड क्या है आपका? एम्फीबियंस। सेकंड क्या है आपका? एम्फीबियंस, ठीक है। थर्ड क्या है आपका? सी आपका है, आपका एव्स है, ठीक है, एव्स। एव्स का मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में जो बर्ड्स होती हैं उसकी बात कर रहा है। और डी क्या है? चौथा जो क्लास है इसका, वो क्या है? मैमल्स है। क्या है? मैमल्स है। अब इसके आगे, इसके बारे में, टेट्रापोडा के बारे में, पाइशीज के बारे में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगी इस चैप्टर से, क्योंकि नेक्स्ट में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।